जिस नाटो या अमेरिका के दम पर इस युद्ध की शुरुआत यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की, आज उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हम आपको बता दें कि जेलेंस्की ने नाटो से, अमेरिका से यह कहा था कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाए, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नाटो में जितने भी 30 देश हैं, सर्वसम्मति से जेलेंस्की के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा हमने किया तो फिर यह हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर आएगा। अब सोचिए, यह अंधकार जो हम आपको दिखा रहे थे, क्या यही अंधकार यूक्रेन के भविष्य पर नजर आ रहा है? क्योंकि इस बयान के बाद जेलेंस्की के पैर के नीचे जमीन खिसक गई, अकेले पड़ गए। रिपोर्ट देखिए। कहते हैं दुश्मन से ज्यादा खतरनाक धोखेबाज दोस्त होता है। एक बार फिर यूक्रेन के लिए रूस से बड़ा दुश्मन नाटो और अमेरिका साबित हुआ है, जिसके कहने पर जेलेंस्की ने पुतिन से पंगा लिया और अब नाटो देशों ने यूक्रेन से मुंह मोड़ लिया है। नाटो के धोखे पर जेलेंस्की भड़क उठे हैं। आज नाटो सम्मेलन था, कमजोर सम्मेलन, कंफ्यूज सम्मेलन, ऐसा सम्मेलन जहां हर कोई सोचता है कि यूरोप की आजादी की लड़ाई पहला लक्ष्य नहीं है। जब रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव और कई बड़े शहरों को घेर लिया है, जब यूक्रेन पर रूसी मिसाइलें तबाही मचा रही हैं, तब नाटो देशों ने जेलेंस्की को एक और धोखा दिया और यूक्रेन की हवाई सीमा को नो फ्लाई जोन घोषित करने से इनकार कर दिया। दरअसल जेलेंस्की चाहते थे कि नाटो देशों की तरफ से यूक्रेन में नो फ्लाई जोन लागू किया जाए, नाटो यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में अपने लड़ाकू विमान भेजें और नो फ्लाई जोन में आने वाले रूस के विमानों को मार गिराए। जेलेंस्की का प्लान था कि ऐसा होने से रूसी मिसाइल और लड़ाकू विमान यूक्रेन में तबाही नहीं मचा पाएंगे, लेकिन जेलेंस्की के इस प्लान को एक्टिव करने से नाटो पूरी तरह हट गया। країни НАТО самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО. Це самогіпноз тих, хто слабкий, невпевнений внутрішньо, хоча може володіти зброєю у рази сильнішою, ніж चाहे आम जिंदगी हो या फिर दो देशों के बीच लड़ी जा रही जंग, एक बात तो साफ-साफ निकल कर आती है, वो ये कि जंग किसी और के भरोसे नहीं लड़ी जा सकती, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। और ये यूक्रेन को अब साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि शुरुआत में उसे लगा कि शायद अमेरिका मदद के लिए आ जाएगा, शायद नेटो देश मदद के लिए आएंगे, शायद रूस के खिलाफ पूरा का पूरा जो यूरोप है वो एकजुट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 10 दिन बीत गए हैं और ये लड़ाई जारी है, प्रतिबंध तो आ रहे हैं बाकी देशों के तरफ से, लेकिन ये लड़ाई यूक्रेन और रूस के बीच में ही नजर आ रही है। नाटो ने यूक्रेन में नो फ्लाई जोन घोषित करने से इनकार करके यूक्रेन को युद्ध के मैदान में अकेला छोड़ दिया है। नाटो को डर है कि अगर उसने ऐसा किया तो रूस बुरा मान जाएगा, और अगर नाटो देशों ने यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में अपने लड़ाकू विमान भेजे तो यूरोप में महायुद्ध छिड़ जाएगा। Allies agree that we should not have NATO planes operating over Ukrainian airspace or NATO troops on Ukrainian territory. तो इसका मतलब ये हुआ कि रूस के फाइटर जेट्स और मिसाइलें इसी तरह यूक्रेन के शहरों को तबाह करती रहेंगी और नाटो कुछ नहीं कहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूक्रेन ने जिसके भरोसे रूस जैसे बड़े देश से पंगा लिया, उस नाटो और अमेरिका ने अब पल्ला झाड़ लिया। लेकिन यूक्रेन अभी भी रूस के आगे सीना चौड़ा करके खड़ा है, लेकिन नाटो भीगी बिल्ली बन चुका है और अमेरिका तो हमेशा से ही सिर्फ अपना फायदा देखता है। One of the responsibilities we have, even as we are doing everything we can to give the Ukrainian people the means to defend themselves effectively against Russia, we also have a responsibility, as the Secretary General said, to ensure that the war doesn't spill over even beyond Ukraine. And again, because I think he put it so well, as he noted, the only way to actually implement something like a no-fly zone is to send NATO planes into Ukrainian airspace and to shoot down Russian planes, and that could lead to a full-fledged war
in Europe. President Biden has been clear that we are not going to get into a war with Russia. But we are going to tremendous lengths with allies and partners to provide Ukrainians with the means to effectively defend themselves. And of course, we're seeing every single day their extraordinary heroism, as well as very real results in what they're doing to achieve that. नाटो और अमेरिका की यूक्रेन से ऐसी बेरुखी की उम्मीद तो खुद रूस को भी नहीं रही होगी, जिन्होंने जेलेंस्की को मैसेज दे दिया है कि यूक्रेन को बचाने की खातिर वो रूस से युद्ध के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जिन्हें पुतिन पहले ही धमका चुके हैं. A few important, very important words for those who may be tempted to interfere in the events taking place from the outside. Whoever tries to interfere with us, let alone create. जो जेलेंस्की बार बार नाटो में शामिल होने की बात करते थे, आज वो नाटो को बददुआएं दे रहे हैं, जिन्होंने रूस के खिलाफ जेलेंस्की को पहले खूब उकसाया और जब साथ देने का मौका आया तो धोखा दे दिया, और इसका नतीजा क्या हुआ ये दुनिया देख रही है और यूक्रेन भुगत रहा. लिलीव से श्वेता सिंह, कीव से कैमरा पर्सन पवन कुमार, राजेश पवार और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो.